Good morning to everyone. I hope you all are fine and safe. Dear children, today in our maths turn, we are going to continue lesson number five the way the world looks. Everyone will open their textbooks on page number 57. This is your page number 57. First of all, you are going to write today's date here. Now, here you can see. दैट द पार्क बिहाइंड गपू हाउस अब हमको जो है ये एक पार्क का यहाँ पर पूरा पिक्चर दिया हुआ है ये पार्क जो है वो गप्पू के घर के पीछे है जब गप्पू बलून पे ऊपर जा रहा था ऊपर उड़ रहा था बलून के साथ तब उसने ये पार्क जो था वो देखा था उसके घर के पीछे और पार्क के साथ साथ उसने एक स्वीट शॉप भी देखी थी डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गपूस हाउस हियर इज अगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क लोकेटेड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अब यहाँ पर जो गप्पू का पार्क है फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंटायर पार्क दिस इज योर गेट ए दिस इज योर गेट बी दिस इज गेट सी एंड दिस इज गेट डी ये चार गेट्स यानी कि चार एंट्रेंस है इस पार्क के दिस इज द बास्केट बॉल कोर्ट ये यहाँ पर ये बेंच है यहाँ पर ये सी सो है यहाँ पर ये फ्लावर बेड यानि की फूलों की ख्यारी है और ये जो है वो स्वीट शॉप है यानी कि मिठाई की दुकान है और ये जो है वो गप्पू का हाउस है ये जो गप्पू का घर है सी एंट्रेंस के पास तो अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं ये जो है एंट्रेंस बी दि है दिस तो इज योर एंट्रेंस सी एंट्रेंस डी और एंट्रेंस ए यहाँ पर एक बेंच है ये बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पर सी सो है और ये फूलों की क्यारी यानी कि फ्लावर बेडस है ये गप्पू का हाउस है और ये स्वीट शॉप है आप मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप दिस इज द स्वीट शॉप और स्वीट शॉप के पास कौन सा गेट आता है गेट ए तो हम यहाँ पर टिक करेंगे गेट ए विच गेट इज नियरेस्ट टू गपूज हाउस गप्पू का हाउस ये है और उसके हाउस के पास गेट सी है तो ये जो है गेट सी गप्पू के हाउस के एकदम नज़दीक है इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट राइट और फ्रंट अगर हम यहाँ से एंटर होते हैं तो ये ग्रीन बेंच है वो हमारे लेफ्ट में होगी राइट right में होगी या हमारे फ्रंट में होगी देन द स्क्रीन बेंच विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ अवर साइड इफ वी एंटर फ्रॉम गेट बी वेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर पैड वॉज टू हर राइट विच गेट डिट शी एंटर फ्रॉम जब सुहासिनी गेट डी से एंटर हुई तो जो फ्लावर पैड यानी कि जो फूलों की क्यारी थी वो उसके राइट right साइड में थी फूलों की क्यारी यहाँ पर है और गेट डी यहाँ पर है गेट बी और गेट डी आपस में ऑपोजिट है तो जो राइट हैंड साइड पर गेट बी के होगा वो गेट डी के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा जैसे कि अगर यहाँ से एंटर किया यहाँ से एंटर किया सुहासिनी ने गेट डी से तो ये फ्लावर पैड जो है उसके राइट right साइड में होगी दैट मींस शी एंटर द गेट फ्रॉम डी गेट विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी अब ये इन फोर ऑप्शन में से विच इज नियरेस्ट बास्केटबॉल कोर्ट ग्रीन बेंच फ्लावर बेड और सीसो ये चार चीजें हैं एक ग्रीन बेंच है ये बास्केटबॉल कोर्ट है ये सीसो है और ये फ्लावर बेड है एंड दिस इज योर गेट सी तो गेट सी से अगर हम देखें तो बेंच का डिस्टेंस ज़्यादा है गेट सी से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस फ्लावर बेड का है उसके बाद बेंच का है उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट का है और सबसे कम डिस्टेंस जो है सी और गेट सी के बीच में है दैट मीन्स गेट सी से सबसे नज़दीक क्या आता है द क्लोजेस्ट थिंग टू गेट सी इज योर सी सो सो वी विल टिक हीयर सी सो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर फिफ्टी एट नाउ ऑन दिस पेज नंबर 58 इज अ मैप यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है पेज नंबर 58 पर स्माइल्स हाउस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस द रूट मैप इज शोन हियर अब यहाँ पर जो है श्रीजता का हाउस है और ये स्माइल का हाउस है स्माइल ने श्रीजता को अपने घर का रास्ता पूरा फोन में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जैसे कि हमने यहाँ पर मैप बनाया है ये श्रीजता का घर है और यहां से थोड़ा सा स्ट्रेट चलेगी तो एक मिल्क बूथ आता है जैसे ही वो यहाँ यहाँ से घर से ऐसे सीधे पहुंचेगी और ये क्रॉस रोड पे आएगी तो यहाँ पर एक मिल्क बूथ आता है थोड़ा आगे चल के एक और क्रॉस रोड आएगा और उससे थोड़ा स्ट्रेट आगे चलेगी तो एक और क्रॉस आएगा क्रॉस रोड आएगा मतलब चार रास्ते पड़ेंगे और वहां से अगर वो लेफ्ट टर्न करेगी तो वहां से लेफ्ट टर्न करके और फिर उसको जो है अगेन जो है वो लेफ्ट टर्न करेगी तो एक पार्क आएगा और पार्क से वो राइट टर्न करेगी तो स्माइल का घर आएगा ये पूरा रूट है अब दिस इज व्हाट द स्माइल टोल्ड स्वीजता अब स्माइल ने जो है स्माइल ने स्वीजता को क्या बताया फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्कपूथ एंड टेक अहलाकूथ पर आओ मिल्कपूथ से लेफ्ट टर्न लो फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज अब यहां से जो सेकेंड क्रॉसिंग है वन और टू ये जो सेकेंड क्रॉसिंग है वहां से राइट right टर्न लो और ब्रिज पर चर्चा गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट राइट टर्न अब बिल्कुल सीधे जाए और पहला राइट right टर्न ले अबाउट हंड्रेड मीटर्स यू विल सी अग पार्क और उसके हंड्रेड मीटर्स जब राइट टर्न लेंगे उसके हंड्रेड मीटर्स के पास एक बड़ा सा एक पार्क है वेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू द साइड लेन माई हाउस इज फर्स्ट हाउस इन दाइड लेन अब उसने क्या कहा पार्थ से थोड़ा सा हमारा स्माइल का है अब यहाँ पर जो है छोटी सी मिस्टेक है डिट स्म गो रॉन्ग समवेयर कैन यू करेक्ट हिम ये स्माइल हैज गोन दिस पार्ट जो है स्माइल का रोंग है वो यहाँ पर रोंग हो गया की फर्स्ट राइट टर्न अबाउट हंड्रेड मीटर्स जो यहाँ से जो है राइट right टर्न नहीं लेना है उसको लेफ्ट टर्न लेकर जो है वो जाना है शो अफेयर श्रीजता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ऑफ हर टोल अगर श्रीजता वैसे ही राइट टर्न लेकर जाएगी तो वो जो है कहीं और ही पहुंच जाएगी इस मार्केट घर की जगह राइट द डायरेक्शन फ्रॉम गोइंग फ्राम स्माइल्स हाउस टू श्रीजत्ता ये सब लिखने वाला ये है ये वर्क बुक में ऑलरेडी है सो वील डू इन दैट नाव यू वॉन्ट टू पेज नंबर नाइन पेज नंबर फिफ्टी नाइन इज किबली एंड द बिग बॉक्स यहाँ पर जो है एक नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ बॉक्स के अंदर और किबली जो एक एंड है वो ये बॉक्स को देखती है

इट लुक लाइक दिस एक दिन वो जा रही थी एंड तो उसने कैसे बड़ा सा बॉक्स देखा जो कुछ ऐसा दिख रहा था किपली मूव क्रॉस एंड टर्न लेफ्ट नाउ शेकूड सी दर साइड ऑफ द बिग बॉक्स अब जो थी उसने जो मूव किया और उसने जब लेफ्ट की तरफ टर्न हुई तो उसको बॉक्स के कुछ और साइड्स भी दिखाई दिए किबली was confused. What was दिस बॉक्स शी climbed अप ऑन अ कप एंड tried टू सी फ्रॉम देयर द बॉक्स looked लाइक like दिस अब उसको और confusion होने लगा जब वो घूम घूम के पूरे बॉक्स को देखने लगी तो उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगी तो उसने क्या किया वो कप के ऊपर चढ़ गई और कप के ऊपर चढ़ के उसने बॉक्स को देखने की कोशिश की तो बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा था अब यहाँ पर देखिए नंबर लिखे वन फोर फाइव Can you guess what the box looks like लाइक was it was a dice dice. means ye ये जो हम खेलते हैं ना ये This is the dice. अब yahan पर dekhiye अगर हम इसको ऐसे रखते हैं one वाली position पे है ये जैसे ये रखा हुआ है ना तो exactly like this. ये one वाली position पे ये dice है अगर वन है तो वन के इस साइड में देखिए फाइव है जैसे यहाँ पर है और ये साइड में जो है फोर है देखिए आई जस्ट शो यू ये साइड में कहेंगे ये देखिए फाइव है फाइव के साइड फोर है और ये वन है तो अगर हम ऐसे रखेंगे वन फाइव एंड फोर ये रहा फोर आ गया ठीक है तो इस तरीके से आपको ये डाइस है इस दिस इज कॉल्ड एज द डाइस द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स अप टू सेवन अब ये जो बॉक्स है इसके जो ऑपोजिट साइड फेस कौन सा हुआ ये टॉप हो गया और ये साइड जो है वो बॉटम हो गया टॉप पे वन और नीचे की साइड बॉटम में सिक्स है अब जो साइड फेस कौन सा हुआ एक फेस ये ये दो ऑपोजिट साइड फेसेस हो गए, और इसके, तो इसके यहाँ पर है टू तो फाइव प्लस टू इज सेवन तो ऑपोजिट फेसेस कौन से हुए ये दो साइड्स ऑपोजिट हुए और ये दो साइड्स जो है ऑपोजिट हो गए दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम तो इस तरीके से ये डायस है the numbers on the opposite side add up to 7 which two numbers were on the opposite side of 5 5 के ऑपोजिट क्या है ये 5 है यहां पर तो ये side कौन सा number है हम इसको ऐसे turn करके देखें तो 2 आता है That means that is equal to 7 इन द पिक्चर व्हिच नंबर विल बी एट द बॉटम अगर 1 यहाँ पर है तो नीचे कौन सा नंबर होगा हम इसको घुमा के देखें नीचे 6 नंबर है बाय विच नंबर विल कीपली सी इफ़ शी टर्नस लेफ्ट फ्राम फाइव अब ये फाइव जैसे हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है लेटस अरेंज लाइक दिस अब ये फाइव है फाइव से अगर हम लेफ़्ट टर्न करते हैं यहाँ पर जैसे ये वन है ये फाइव है अगर फाइव से अगर हम लेफ्ट टर्न करेंगे लाइक like दिस लेफ्ट टर्न करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा ये वन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ये देखिए ये फाइव यहाँ पे आ गया ये यहाँ पे आ गया और ये फाइव जो है इधर आ गया पहले कैसे था ऐसे था ये पोजीशन में वन और फाइव अगर इसको हमने ऐसे घुमाया हमने ये लेफ्ट टर्न किया तो यहाँ पर वन आ गया और ये जो फाइव है उसकी जगह यहाँ पर फाइव आ जाएगा वॉट विल बी बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट आप मार्क द करेक्ट पिक्चर अगर हम ये जो बॉक्स है जो टाइस है अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये कैसा दिखेगा? जैसे वन है ये सेंटर में आ गया बिल्कुल ठीक वन सेंटर में आया और उसके सबसे नीचे सिक्स आया तो वन और सिक्स यहाँ पर आ गया ये टॉप और ये बॉटम आ गया अब उसके एक साइड में क्या है यहाँ पर फोर है यहाँ पर फाइव ये जो है फोर है फोर के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर है थ्री है तो ये जो है फोर थ्री एंड फोर हो गया और फाइव एंड टू हो गया सो दिस पिक्चर इज़ करेक्ट और बाकी सारे पिक्चर जो है वो रॉन्ग है आपके पास टाइस है तो आप घर पे अच्छे से देख सकेंगे और मैंने आपको इसलिए शो किया है फिर से मैं बता दूँ देखिए ये वन वन के नीचे सिक्स और ये साइड में देखिए फाइव और इस साइड टू इसके ऑपोजिट साइड में जो फाइव है फाइव के ऑपोजिट साइड में टू है ये फोर है और फोर के ऑपोजिट साइड में यहाँ पर ये ये दोनों ऑपोजिट साइड जैसे मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं चाहे मेरी फिंगर एंड थम है टू आर द ऑपोजिट साइड तो यहाँ पर फोर और थ्री है सो डियर चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन नाउ वी विल डू द सेम इन द वर्क बुक बाय अ नाइस डे